नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एसएन न्यूज पर। है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार किसी पार्टी को मिलेगा बहुमत। क्या बिहार में नीतीश कुमार की सरकार वापसी करेगी या फिर आरजेडी के लालू प्रसाद की पार्टी वापसी करने वाली है, या फिर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बाजी मारेगी, या AIMIM पार्टी यहाँ पर बाजी मारेगी, या LDF कितनी सीट जीतेगी। तो दोस्तों, एक एक करके जानकारी अपडेट आपको बताते हैं, एक एक जिले की एक एक सीट का विश्लेषण करके आपको ओपिनियन पोल निकाल रहे हैं। तो इस ओपिनियन पोल में आपको क्लियर कट जानकारी मिल जाएगी कि बिहार में आज चुनाव हुए तो किस पार्टी की बनेगी सरकार। दोस्तों, बात कर लेता है सबसे पहले चंपारण की 9 विधानसभा सीट है, 9 में से 5 पर बीजेपी, तो आरजेडी के लालू प्रसाद की पार्टी तेजस्वी यादव को यहां पर 3 सीटें, एलडीएफ के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहां पर 1, तो अन्य पार्टी को यहां पर 0 सीट। सीहोर की 1 विधानसभा सीट है, एक ही सीट भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के खाते में जा सकती है, आरजेडी प्लस के खाते में 0, एलडीएफ के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी के खाते में, एआईएमआईएम के खाते में 0, अन्य पार्टी को यहां पर 0 सीट। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पश्चिमी चंपारण की 12 विधानसभा सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी चंपारण की 12 विधानसभा सीटें हैं, 12 में से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी खाते में 7, आरजेडी खाते में 5, एलडीएफ के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट। बिहार की 243 सीटों में से 22 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर बीजेपी के नीतीश कुमार जेडीयू पार्टी मिलकर यहाँ पर दोनों मिलकर 12 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 1 सीट पर, और आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को यहाँ पर 9 सीटें मिल सकती है, एलडीएफ पार्टी को यहाँ पर 0, एआईएमआईएम के खाते में 0 सीट, और अदर पार्टियों के यहाँ पर 0 सीट। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सीता मंडी की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 6 पर बीजेपी, आरजेडी खाते में 2 सीटें, एलडीएफ के खाते में 0, एआईएमएम के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0 सीट। मधुबनी की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से 5 पर बीजेपी, तो आरजेडी प्लस के खाते में 4, एलडीएफ के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1, तो अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0 सीट। बिहार विधानसभा ओपनिंग पोल के सुपौल की बात करें तो सुपौल में 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 3 पर बीजेपी, आरजेडी प्लस के खाते में 2 सीटें, एलडीएफ के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों, बिहार की 243 सीटों में से 45 सीटों का ओपिनियन पोल आपके स्क्रीन पर पेश कर दिया गया है, तो यहाँ पर नीतीश कुमार को 26 सीटें, आरजेडी के तेजस्वी यादव को यहाँ पर 17 सीटें, एलडीएफ के खाते में 0, एआईएमएम के खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट मिल सकती है। अररिया की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 2 पर बीजेपी, तो आरजेडी प्लस के खाते में 2 सीटें, एलडीएफ के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। किशनगंज की 4 सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, आरजेडी खाते में 2 सीट जा सकती है, यानी कि आधी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी कब्जा जमा सकती है, बाकी सभी पार्टियों का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है किशनगंज में। तो यहाँ पर पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटें, पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, तो आरजेडी प्लस के खाते में 3 सीटें, एलडीएफ के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों, बिहार की 243 सीटों में से 62 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी और एलडीएफ एआईएमआईएम को कितनी सीट मिलेगी, तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू को यहाँ पर 34 सीटें, आरजेडी के तेजस्वी यादव को यहाँ पर 24 सीटें, एलडीएफ का तमें 0, कांग्रेस पार्टी का तमें 3, अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। कटिहार की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी का तमें 3, आरजेडी का तमें 4 सीटें, एलडीएफ का तमें 0, कांग्रेस पार्टी का तमें 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 1 पर बीजेपी, तो आरजेडी के खाते में 3 सीटें, एलडीएफ के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0 सीट। सरसा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, तो आरजेडी प्लस के खाते में 2 सीटें, एलडीएफ के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0 सीट। बिहार की 243 सीटों में से 77 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन दिखाई जा रहा है, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में यानी कि बीजेपी प्लस के खाते में यहाँ पर 40 सीटें जा सकती है, तो आरजेडी के तेजस्वी यादव को यहाँ पर 33 विधानसभा सीटें, यानी कि आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर यहाँ पर चुनाव मैदान में होगी, यानी कि सबसे बड़ी पार्टियां दोनों होगी, आरजेडी और बीजेपी, यानी कि कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है दोनों पार्टियों के बीच, यानी कि आगे पीछे चल रही है। अभी से 7 विधानसभा सीटों से पीछे चल रही है आरजेडी, तो 7 विधानसभा सीटों से आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी मिलकर, तो यहाँ पर एलडीएफ के खाते में 0, 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 1 सीट पर अन्य पार्टी यहाँ पर काबिज हो सकती है। दरभंगा की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से 6 पर बीजेपी, तो आरजेडी के खाते में 4 सीटें, एलडीएफ के खाते में 0,
कांग्रेस पार्टी का जीरो अन्य पार्टी के पास 00 सीट। मुजफ्फरनगर की 11 विधानसभा सीटें 11 में से 5 पर बीजेपी, तो आरजेडी खाते में 5 सीटें, एलडीएफ खाते में 0, कांग्रेस पार्टी का तमें 0, अन्य पार्टी यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटें 6 में से 3 पर बीजेपी, तो आरजेडी खाते में 3 सीटें, एलडीएफ के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी का तमें 0, अन्य पार्टी यहाँ पर 00 सीट। बिहार की 243 सीटों में से 104 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर बीजेपी प्लस के खाते में 54 सीटें, आरजेडी के तेजस्वी यादव को यहाँ पर 45 सीटें, एलडीएफ के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी का तमें 3, अन्य पार्टी यहाँ पर 2 विधानसभा सीट मिल सकती है। सीवान की 8 विधानसभा सीटें 8 में से 3 पर बीजेपी, तो आरजेडी खाते में 5, एलडीएफ के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है, एआईएमआईएम पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। सरण की 10 विधानसभा सीटें हैं, सरण की 10 में से 5 पर बीजेपी, तो 5 पर ही आरजेडी यानी कि बराबर टक्कर के साथ आधी आधी सीटें ला सकती है। सरण में 10 में से 5 पर बीजेपी, तो 5 पर ही आरजेडी प्लस के खाते में जा सकती है, एलडीएफ कांग्रेस और अन्य पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साफ है। वैशाली की 8 विधानसभा सीटें 8 में से 5 पर बीजेपी, 3 पर आरजेडी, एलडीएफ का खाते में 0, कांग्रेस पार्टी का खाते में 0, अन्य पार्टी के यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बिहार की 243 सीटों में से 130 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन दिखाई जा रहा है। यहाँ पर 67 यानी कि बीजेपी खाते में 67 सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 3 सीटें और आरजेडी प्लस के खाते में यहाँ पर 58 सीटें और अन्य पार्टी के यहाँ पर 2 विधानसभा सीट मिल सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटें 7 में से 3 पर बीजेपी, तो आरजेडी खाते में 3 सीटें यानी कि बराबर पार्टी टक्कर में दिखाई दे रहे हैं। बेगूसराय में 3 सीटों पर बीजेपी, तो 3 सीटों पर आरजेडी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी बाजी मार सकती है। खगड़िया की 4 विधानसभा सीटें 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी को भी 2 सीट नहीं आरजेडी प्लस के खाते में 2 सीट मिल सकती है। जी हां दोस्तों, यहां पर आरजेडी और बीजेपी के बीच काफी ज्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटें 10 में से 5 पर बीजेपी, तो आरजेडी प्लस के खाते में 5 सीटें, एलडीएफ, एआईएमआईएम और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर सुपड़ा साफ है। दोस्तों यहाँ पर बिहार की 243 सीटों में से 151 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर 77 सीटों पर जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को यहाँ पर मिल सकती है 68 यानी कि 68 सीटों पर तेजस्वी यादव और एलडीएफ के नेता को यहाँ पर 0 सीट, कांग्रेस पार्टी का तमें 4, अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट मिल सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं भागलपुर की 7 विधानसभा सीटें 7 में से 4 पर बीजेपी, 2, 3 सीटों पर आरजेडी को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती है, एलडीएफ का तमें 0, कांग्रेस पार्टी का तमें 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। बांका की 5 विधानसभा सीटें 5 में से 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आरजेडी का तमें 2 सीट, एलडीएफ का तमें 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। मुंगेर की 3 विधानसभा सीटें 3 में से 2 पर बीजेपी, आरजेडी का तमें 1 सीट, एलडीएफ का तमें 0, कांग्रेस पार्टी का तमें 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार की 243 सीटों में से 167 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 86 सीटों पर जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर 86 सीटें, 74 सीटों पर आरजेडी और एलडीएफ के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4, अन्य पार्टी के यहाँ पर 2 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। लखीसराय की 2 विधानसभा सीटें दोनों ही विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आरजेडी, एलडीएफ, कांग्रेस और अन्य पार्टी के यहाँ पर 0-0 सीट है। शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटें 2 में से बीजेपी खाते में 1, तो आरजेडी खाते में 1 सीट, एलडीएफ के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 0, अन्य पार्टी के यहाँ पर 0-0 सीट है। नालंदा की 4 विधानसभा सीटें 7 में से बीजेपी खाते में 4, कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 0, आरजेडी खाते में 2 सीट, एलडीएफ के खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा जताई जा रही है। जी हां दोस्तों, एलडीएफ को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी के यहाँ पर 0-0 सीट है। बिहार की 243 सीटों में से 177 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर 93 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो 77 सीटों पर तेजस्वी यादव, 1 सीट पर एलडीएफ, 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 2 विधानसभा सीट मिल सकती है। भोजपुर की 7 विधानसभा सीटें 7 में से बीजेपी खाते में 3, आरजेडी खाते में 4 सीटें, एलडीएफ के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। बक्सर की 4 विधानसभा सीटें 4 में से 1 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी, तो आरजेडी खाते में 3, एलडीएफ खाते में 0, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। पटना की 14 विधानसभा सीटें यानी कि बिहार की राजधानी पटना की 14 विधानसभा सीटें 14 में से 8 पर बीजेपी, तो 6 विधानसभा सीटों पर आरजेडी, एलडीएफ खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। बिहार की 243 सीटों में से 202 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 105 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्लस मिलकर यहाँ पर 105 सीटें जीत सकती है। 90 सीटों पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, 1 सीट पर एलडीएफ के नेता को मिल सकती है और 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 2 सीटों पर अन्य पार्टियां काबिज हो सकती है। कैमूर की 4 विधानसभा सीटें 4 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर आरजेडी और
एलडीपी खाता में जीरो, कांग्रेस पार्टी खाता में जीरो, अन्य पार्टी के यहाँ पर जीरो जीरो सीट है। रोहतास की संविधान सभा सीट है सात में से तीन पर बीजेपी, आरजेडी खाता में तीन सीट, एलडीपी खाता में जीरो, कांग्रेस पार्टी खाता में एक सीट और अन्य पार्टी के यहाँ पर जीरो जीरो सीट है। अरवल की दो विधानसभा सीट है दो में से बीजेपी खाता में एक, तो आरजेडी प्लस की खाता में एक सीट, एलडीएफ कांग्रेस और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ है। बिहार की 243 सीटों में से 215 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी प्लस के खाता में 110, 96 सीटों पर आरजेडी के तेजस्वी यादव, एक सीट पर एलडीएफ और 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीट मिल सकती है। जहानाबाद की 3 विधानसभा सीट है 3 में से 1 पर बीजेपी, तो 1 पर आरजेडी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी। औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीट है 6 में से 1 पर बीजेपी, 4 पर आरजेडी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। गया की 10 विधानसभा सीट है 10 में से 6 पर बीजेपी, आरजेडी खाता में 4, एलडीएफ के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बिहार की 243 सीटों में से 234 सीटों का सर्वे आपके स्क्रीन दिखाई जा रहा है। यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू मिलकर यहाँ पर बहुमत के बहुत करीब पहुंचती नजर आ रही है। 118 सीटों के साथ बीजेपी प्लस को मिल सकती है और 105 सीटों पर आरजेडी पीछे पीछे और एक सीट पर एलडीएफ, तो 8 सीटों पर राहुल गांधी और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जा सकती है। जुम्मई की 4 विधानसभा सीट है 4 में से 3 पर बीजेपी, आरजेडी खाते में 2 सीट। नवादा की 5 विधानसभा सीट है 5 में से 3 पर बीजेपी, तो आरजेडी खाते में 1 सीट, एलडीएफ कांग्रेस और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। चलिए दोस्तों, बिहार की 243 सीटों में सभी 243 सीटों पर सर्वे हो चुका है, तो यहाँ पर 124 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नाजुक स्थिति में फिर से बहुमत प्राप्त कर सकती है। 108 सीटों पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को मिल सकती है, 1 सीट पर एलडीएफ, 8 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 3 सीटों पर अन्य पार्टियां का बीच हो सकती है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। टेंगू टेकर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।